हेलो फ्रेंड्स, एसएससी ऑनलाइन मेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे अलजेब्रा का पार्ट 8। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, हमने अलजेब्रा के पार्ट 1 से पार्ट 7 तक ऑलरेडी देख चुके हैं। तो जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ पहले जाकर अलजेब्रा के पार्ट 1 से पार्ट 7 तक ज़रूर देख लें, क्योंकि जितने भी बेसिक्स क्वेश्चन है और एप्लीकेशंस ट्रिक्स जो कैसे लगानी है वो मैंने सारी प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बता रखी हैं ऑलरेडी। ओके फ्रेंड्स, और जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और साथ में उसके एक बेल होगी उसको भी क्लिक कर लें, जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन इस चैनल के बारे में मिलती रहे। और आप हमारे फेसबुक पेज एसएससी ऑनलाइन मेंटर से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको एसएससी से जुड़ी तमाम जानकारियां मिलती रहेंगी, ठीक है, काफी चीजें वहां पे बेनिफिशियल ही है आपके लिए, बहुत ही अच्छा पेज है, ठीक है। और आप हमारे फेसबुक ग्रुप एसएससी ऑनलाइन स्टडी से जुड़ सकते हैं, जहां पर आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं और कोई ना कोई वहां पर आपकी प्रॉब्लम जरूर करेगा सॉल्व, ठीक है। तो आइए आज हम देखते हैं पार्ट 8, और पार्ट 8 में मैं स्पेशली इसलिए लिया गया है ताकि आप लोगों की अच्छी पकड़ हो जाए एलजेब्रा के क्वेश्चनों पर। और ये सारे क्वेश्चन पार्ट 8 में मैंने 2016 टियर 2 में जो एग्जाम हुआ था आपका उससे उठाए हैं, और इसके बाद पार्ट 9 भी बनाऊंगा मैं। पार्ट 9 में 15 और 14 का क्वेश्चन लूंगा, आफ्टर दैट वी विल मूव टू ट्रिग्नोमेट्री सेक्शंस, ठीक है। तो मेरी कोशिश पहले यही है कि जो आपका मेजर पार्ट है लाइक एडवांस मैथ्स, जो कि ज्यादा वेटेज रखता है एसएससी के एग्जाम में, तो मैं उसको पहले खत्म कराने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ हम लोग अर्थमेटिक के पार्ट भी लेते रहेंगे, ठीक है। और कई लोगों की क्वेरीज आई थी सर जीके और करंट अफेयर्स पे पार्ट बनाने की, तो मैं उस पर भी कोशिश कर रहा हूँ कि करंट अफेयर और जीके और वाकई बारे पे भी काम करूंगा, ठीक है। तो आइए आज देखते हैं आज का पार्ट एलजेब्रा पार्ट 8। पहला क्वेश्चन है, इफ ए प्लस बी इक्वल टू 1, देन ए की पावर 4, बी की पावर 4 माइनस ए की पावर क्यूब, बी की पावर 3 माइनस 2। काफी देखने से लेंथी क्वेश्चन लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। जो बेसिक अप्रोच से लेंगे उसको जरूर टाइम लगेगा, बट मेरा आज यहाँ पे मोटिव ये है कि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो मैं आज आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन कराऊंगा कि एग्जाम में कैसे करते हैं क्वेश्चन को। देखो ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, देख लीजिए, इसमें कोई भी ऐसा नहीं बोला उसने कि ए की वैल्यू ये नहीं रखने की भी क्यों, हम यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, बट कैसे करेंगे। अगर हम ए और बी में ऐसी वैल्यू रखते हैं जो इक्वल टू 1 हो जाए, मीन्स अगर हम ए को 0 रख दें और बी को 1 रख दें, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, मतलब LHS इक्वल टू RHS आ गया, ठीक है, हमारा ये सेटिस्फाई कर गया। फिर सेटिस्फाई कर गया तो इसका इसमें इसमें जो क्वेश्चन में पूछा गया उसमें रख देंगे। अब ए की पावर 4 मीन्स ए की पावर 4 मीन्स 0 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 4 माइनस 0 की पावर 3, ठीक है, माइनस 1 की पावर 3, ये क्या होगा, एक भी फैक्टर 0 है तो पूरा 0, ये भी 0। अब देखो 0 प्लस 1 माइनस 0 माइनस 1 प्लस 0 माइनस 0, दैट इज 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, आंसर इज 0 हो गया। अभी तो इतना लिख दिया है मैंने, बट ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी। आप एग्जाम में डायरेक्ट पुट, मतलब एलजेब्रा क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको पेन और पेंसिल उठाने की भी आवश्यकता नहीं होती है। ए की वैल्यू 0 रखी, बी की 1 रखी, यहां पर देखो पुट करके देख लो, बस एक जगह 1 यहां बन रहा था, एक जगह 1 बन रहा था, ठीक है, दोनों को कैंसिल कर दो, आंसर 0 आ गया, मेंटली हो जाएगा, ठीक है। और एलजेब्रा क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप 2-3 मिनट में 5-6 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हो अगर लग अच्छा रहा आपका। एक आधी क्वेश्चन होता है जो थोड़ा सा लेंथी होता है, अदरवाइज सारे क्वेश्चन सिंपल होते हैं, ठीक है। होपफुली समझ में आ गया होगा आप लोगों को, नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करिए और दोबारा से देखिए, क्लियर हो जाएगा। फिर भी क्लियर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में
कमेंट कर सकते हैं, वहां पे मैं आपको कोशिश करूंगा समझा सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल टू 299, बी इक्वल टू 298, सी इक्वल टू 297। अब क्वेश्चन वही है जो मैंने पहले आपको कराता रहा हूं, बट डिफरेंस क्या है कि इसने देखिए आप 2a³, 2b³, 2c³ -6abc, यहां पे एक 2 का फैक्टर कॉमन आ रहा है। अगर हम 2 कॉमन बाहर निकाल लें इस चीज से, देखो ये हमारा है, ये देखो a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc, ये कुछ बता रहा है? क्या बता रहा है? मैंने फॉर्मूला लिखाया था आप लोगों को, याद करो किसके इक्वल होता है, ये हाफ ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में बड़ा ब्रैकेट ले लो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ये फॉर्मूला याद था, बस क्वेश्चन सॉल्व। इसके आगे क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि टू कॉमन लिया हमने तो टू लगा लेंगे, तो यहाँ पे टू लगा लो, ये टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा आपका, क्लियर है? आप जोड़ लो 299 प्लस 298 प्लस 297। अब देखो अंदर, देखो मैं लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट करूंगा, देखो 299 माइनस 298 ये आपका 1 का स्क्वायर, 298 माइनस 297 ये भी 1 का स्क्वायर, 297 माइनस 299 माइनस 2 का होल स्क्वायर। और आपको पता है माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, 1 प्लस 1 प्लस 4 दैट इज ऑफ 6, ओके, एंड 7 8 15 9 24, 9 और 9 18, 27 और ये 29, क्लियर? दैट इज योर 6 प्लस 2 894, 894 मल्टीप्लाई बाई 6। आप देखो सिंपल सा पता चल रहा है आपको, लास्ट में 4 दो ऑप्शन ऐसे जा रहे हैं, देखो अच्छे से कुछ, ये सब ट्रिक्स होते हैं ठीक है आंसर मारने के। अगर यहाँ पे 2 4 ना होते, 1 ही 4 होता तो आप डायरेक्ट आंसर मारते हैं। 894, 6 4 जा 24, 6 9 जा 54 प्लस 256, देखो आगे करने की जरूरत नहीं है, मिल गया आंसर यहीं पे आपको, मिल गया 5 3 6 4, ठीक है? इसी को जब आप प्रैक्टिस, आपकी कमांड हो जाएगी फॉर्मूले पे, तो आपको कुछ नहीं करना था, बस डायरेक्ट कैलकुलेशन लिखनी थी, मतलब लास्ट स्टेप, ये स्टेप आपका माइंड में आना चाहिए था, ठीक है? तो ये सब तभी आएगा जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है? उसके बाद ही। और काफी आसान क्वेश्चन था, बस इस बार उन्होंने टू ऐड करके बच्चों को घुमाने की कोशिश की, वो देखना चाह रहा था कि आप कंसेप्ट में कितने डीप हो, कितने साउंड हो, कितने स्ट्रांग हो। सो क्वेश्चन को देख के कभी अलजेब्रा का डरना नहीं है, एंजॉय करना है वैसे, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ax प्लस by इक्वल टू 1 एंड bx प्लस ay इक्वल टू 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और आप रहे ऐसे क्वेश्चनों को देख कर तो अच्छा अच्छा डर जाएगा ना, बट बहुत आसान क्वेश्चन है ये, यकीन मानो, देख करके देखेंगे कैसे। देखो ax प्लस by, और मैंने आपको बताया था हम अगर ऐसी वैल्यू यहां पे पुट करें जिससे हमारा जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या हमेशा हमारा इन्फिनिटी बना रहा है, मतलब यहां पे जीरो नहीं बनना चाहिए। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, एक्स को अगर हम लोग जीरो पुट कर ले, ठीक है, बी और वाई को 1 पुट कर लेते हैं। देखो ए को हमने क्या किया, 1 पुट किया, एक्स को 0 पुट किया, ठीक है, बी 1 वाई 1, सेटिस्फाई करके देखते हैं। ए एक्स 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन में ये देखो, बी एक्स क्या होगा, 0, ए वाई 1, ठीक है। अब देखो 2ab,
2EB। अब देख लो ये जगह आपका 2, क्लियर। नीचे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी आपका 2, 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा 1। मीन्स जब हमारी दोनों तरफ सेटिस्फाई हो गया तभी हम वैल्यू अपने जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है उसमें पुट कर सकते हैं। तो अब ये वाली सारी वैल्यू इसमें क्या पुट कर देंगे। अब आपका स्क्वायर रिजल्ट था एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर। तो एक्स की वैल्यू क्या अपने पास, जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, प्लस वाई, वाई वन का स्क्वायर वन, क्लियर। मल्टीप्लाई ए स्क्वायर वन प्लस बी स्क्वायर वन, तो वन इंटू टू, वन इंटू टू, टू। ऑप्शन इज बी, इज दैट क्लियर। कितना आसान क्वेश्चन कर दिया मैंने, अदरवाइज आप लगे रहोगे और मैं गारंटेड कर रहा हूं 4 से 5 मिनट खराब कर लोगे इस क्वेश्चन पे, ठीक है। आपको अप्रोचेस ये लेके चलनी है, मैंने पहले भी क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं और अब मैं स्पेशल 2 पार्ट में इसलिए ले रहा हूं ताकि जिन लोगों को अच्छे से लेक्चर समझ में आ गए हैं तो वो ये मैजिकल ट्रिक्स देख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट, प्रिया मेंस में आते ही आता है, लास्ट ईयर आया हुआ है ये, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारी, हम कोई अप्रोच नहीं लगाएंगे, हम 1 2 ही खेलेंगे क्योंकि अलजेब्रा इज ऑल अबाउट 0 1 2, क्लियर। आप देखो सेटिस्फाई कराने के लिए क्या करेंगे, अगर ए की वैल्यू 2 रख दें, अब 2 में से आपको पता है अगर बी की वैल्यू यहां पे -1 रख दें तो ये हमारा आएगा, और कैसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके अलावा हमारे पास 1 आ जाए। अब बी की वैल्यू तो हमने -1 पुट कर चुके हैं, इसको चेंज नहीं कर सकते। सी की वैल्यू को अगर लाना है हमें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए, सी की वैल्यू अगर 1/2 करेंगे तो ये ऊपर जाके क्या बनेगा, 2, और 2 - 1 क्या होता है, 1, क्लियर। सेटिस्फाई कर गई तो सी प्लस 1/a क्या होगा, सी की वैल्यू हमने 2 ली है, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/2, सॉरी 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 सॉरी, मिस्टेक हो गई, यहाँ पे सी की वैल्यू आप 1/2 लोगे तभी तो बनेगा, ये रहा आपका 1/2, क्लियर। और यहाँ पे 1/2 और ए की वैल्यू क्या है, 1/2, तो 1/2 मतलब हाफ ऑफ 1, 2 आपको मिलाएंगे क्या बनेगा, 1। आंसर इज सी। देखो क्या किया मैंने इसमें, ए की वैल्यू हमने 2 रखी और बी की वैल्यू -1 रखी, 2 - 1 सेटिस्फाई करा दिया। अब बी की वैल्यू -1 है, रिजल्ट हमें +1 चाहिए, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, यहां ले जाके ले जाइए तब भी आपका सी की वैल्यू निकल जाएगी, क्लियर, ठीक है। नहीं तो आप देखो कैसे निकालना है, बस सी के दिमाग में नहीं आ रहा आपका, तो बी प्लस 1/c = 1 है, आपको पता है बी की वैल्यू 1/c = क्या हो जाएगा, 1 + 1, ये क्या 2 हो गया, तो 1/c = क्या, 2, क्लियर। तो c = क्या जाएगा, 1/2, ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। कोशिश ये करिए कि दिमाग में जल्दी जल्दी घुमाने चाहिए, ठीक है, हिट एंड ट्रायल बोलते हैं इस मेथड को, तो ऐसे करोगे तो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और ये सब तभी आएंगे जब प्रैक्टिस करोगे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन फैक्टराइजेशन, बहुत डर लगता है भाई फैक्टराइजेशन से जिन लोगों को, उनके लिए बहुत सुपर टेक्निक बताने जा रहा हूँ, हमेशा काम आएगा इन टाइप के क्वेश्चनों में, क्लियर है। कंप्लीट द फैक्टराइजेशन ऑफ x4 + 64, एक्स की पावर 4, इतना पता चल चुका है कि 2 फैक्टर बनेंगे, इसका मतलब दोनों में ऑप्शन है, आप कौन से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, तुक्का मारोगे सी या डी में से तो भी गलत होने के चांसेस हैं, तुक्का नहीं मारना है इसमें, ठीक है, सिंपल होता है। एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट कर लो, 1, 1 की पावर 4, 64, दैट इज योर 65, 65 जो ऑप्शन को मैच करा देगा वही आपका आंसर है। इसको चेक करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 + 8 मीन्स 9, 9 का स्क्वायर क्या होगा, 81, मतलब 65 आंसर मैच नहीं कर रहा है, नो आंसर। 1 + 8 9, 9 × -7, मतलब माइनस में तो आंसर आ ही सकता है, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव आंसर नहीं हो सकता इसलिए क्रॉस, आंसर मैच नहीं कर रहा। इसमें देखिए 1 + 8 9 - 4 दैट इज ऑफ 5,
मल्टीप्लाई 1 माइनस 4 मीन्स 1 माइनस 4 माइनस 3 और -3 -8 -11, ये भी आंसर मैच नहीं करेगा नेगेटिव में, बचा ये यही आंसर होगा। पर चेक कर लीजिए आप कैसे, 1 प्लस 4 5 प्लस 8 13 मल्टीप्लाई 1 प्लस 8 9 -4 5 65, दैट इज योर सिंगल आंसर मैचिंग द ऑप्शन, दैट इज योर आंसर डी। क्लियर है कैसे आंसर्स निकालते हैं? टाइम कम हो और जल्दी करना हो तो ये अप्रोच जरूर बनाइए, और यही अप्रोच है, आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले जाइए, सभी यही अप्रोच बताएंगे, लिख के ले लो ठीक है। और जो दूसरी अप्रोच बताएंगे आप एसएससी क्रैक नहीं कर सकते अगर ऐसी अप्रोचेस नहीं लगाओगे, क्योंकि एसएससी में आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपके पास मात्र 30 से 45 सेकेंड है हर क्वेश्चन को मार्क करने के लिए। सो रिमेंबर, बी क्विक, बी फास्ट, बी प्रिसाइज एंड बी एक्यूरेट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x+1=0। हाँ, ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, फॉर्म बनानी है इसमें, ठीक है। फॉर्म कैसे बनेगा, पता चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x जब आ गया तो आपके दिमाग में बनना चाहिए कि भाई ये कहीं ना कहीं होल स्क्वायर बन रहा है, देखो किसका सोर्स बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1+y2। क्लियर हुआ? अभी भी नहीं हुआ होगा कई लोगों को, ये किसका बन रहा है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर? और ये वाई का स्क्वायर। अब आपको पता है ये कब जीरो के इक्वल हो सकता है, जब इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू क्या हो, -1, और वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो कब हो सकता है, जब वाई की वैल्यू जीरो। तो यही दोनों वैल्यू को हमने यूज करना है, बस यही चाहिए था। अब आपको पता है एक्स की पावर -1 की पावर 31 प्लस 0 की पावर 35, माइनस की पावर अगर ऑड टाइम करना हो ठीक है तो हमेशा माइनस ही रहेगा, तो इसका तो -1 प्लस और 0 की कितनी पावर कर दो, इट्स ऑलवेज रिमेन्स 0, -1 प्लस 0 -1, आंसर इज ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन, देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड है पर आपको कोई एप्लीकेशन नहीं लगानी है, क्लियर? वैसे तो ये फॉर्मूला बनता है बट देखना है आपके दिमाग में कैसे स्ट्राइक करता है, 3x/z - 3x/z, आंसर इन दोनों में से ये, क्यों? क्योंकि हमें पता है x³ - y³ + z³ हमेशा ये इक्वल होता है, हमें नहीं पता यार फॉर्मूला, ठीक है, हम फॉर्मूला का यूज ही नहीं करते। अब देखो अगर एक्स की वैल्यू हम 2 रख दें, वाई और जेड को हमें क्या रखना पड़ेगा, 1+1, तभी तो इक्वल होगा। इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी, 2 2 का क्यूब -1 का क्यूब -1 का क्यूब, दैट इज योर 8 - 2 कम आउट भी 6, 6 जो मैच करा देगा ऑप्शन को वही आंसर होगा, इसका मतलब +6 है तो ये वाला आंसर होगा। कैसे, रख के देख लो, 3 × 2 × 2 × 1 × 1, दैट इज योर 6, आंसर इज बी। इज दैट क्लियर? हाँ, बहुत आसान क्वेश्चन था, क्लियर हो गया होगा होपफुली, नहीं क्लियर हुआ तो आप लोग फॉर्मूले से भी कर सकते हो। क्लियर? अंतिम क्वेश्चन इस लेक्चर का, और ध्यान से देखिएगा इसका जादू, यहां कंडीशन हमें दे रखी है कि ए है जो हमारा ग्रेटर देन 0 है, इफ ए इक्वल टू 1/(a-5) कंडीशन इज गिवन, ए इज ग्रेटर देन 0 देन द वैल्यू ऑफ ए +1/a, a+1/a। क्वेश्चन अच्छा है, ये देखिए ये आपको गिवन है, क्लियर है? अब आपको यहां से ये चीज बनानी है तो कुछ ना कुछ तो लाना पड़ेगा आपको। सबसे पहले आप लोग क्या करिए, क्रॉस कर लीजिए इस चीज को, ठीक है, ये बनेगा e-5=1, अंदर खोलोगे a²-5a, ठीक है, इधर ले लो -1=0, डिवाइड कर दो। देखो डिवाइड करने पे ये चीज मिलेगी, जब ऐसी इक्वेशन बने और ऐसी बनानी हो तो हमेशा डिवाइड करना हो, डिवाइड बाई ए टू बोथ साइड। क्लियर? तो ये बचेगा तुम्हारा a -5
माइनस 1/e, क्लियर है? देख लो इक्वल टू 0 रहेगा क्योंकि यहां तो कुछ होगा नहीं। ए माइनस 1/a इक्वल टू 5। अभी भी लोचा है, देखो ए माइनस 1/a आपने बना दिया है बट ए प्लस 1/a चाहिए हमें, कैसे करेंगे? हमने पीछे जब पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, जब इसका स्क्वायरिंग करेंगे, क्योंकि स्क्वायरिंग की हमें लोड नहीं है क्योंकि हमें आंसर प्लस में चाहिए, पर हम करेंगे कैसे करेंगे? देखो जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस 1/a² माइनस 2। अब मैं लिखूंगा नहीं, आपको पता चल जाना चाहिए, ठीक है? इतना तो आप लोगों प्रैक्टिस कर ली, 25, ठीक है? अब अगर हम इसी में देखो 4 जोड़ दें, 4 जोड़ दें दोनों साइड, तभी तो हमारा ए प्लस 2 आ पाएगा। माइनस 2 प्लस 4 इधर भी जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लियर? अब आप लोग अगर ध्यान से देखोगे इस चीज को तो ये कुछ ऐसी बनेगी, ए स्क्वायर प्लस 1/a² प्लस 2 इक्वल टू 29। ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है, ए प्लस 1/a का होल स्क्वायर बन रहा है, इधर क्या होगा 29। तो ए प्लस 1/a क्या हो जाएगा, उधर जाके रूट का 29, दैट इज योर रिक्वायर्ड थिंग, ठीक है? ऑप्शन इज ए। देखो हुआ क्या इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं था, बस फॉर्म आप क्वेश्चन में कहाँ अटकते, आप क्वेश्चन में यहाँ अटक जाते, यहाँ लाने के बाद आपको समझ नहीं आती क्या करना चाहिए था, ठीक है? तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे तो आपने एक तो ये कर सकते हो यहाँ पे कि रूट में ले जाके, ठीक है, इसका स्क्वायरिंग करके 2 का स्क्वायर ऐड कर लेते, ठीक है? तो ये आपको थोड़ा सोचना होगा और ये चीज कोई नहीं सिखा सकता आपको जब तक आप खुद सीख सकते हो, ठीक है? ये तो तभी आती है जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। और बस आज के लिए इतना काफी है, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे 2015 और 14 के क्वेश्चंस, मेंस में आए हुए, ये भी सारे क्वेश्चन 2016 टीयर 2 के थे, इस बार 3 पेपर कराए थे एसएससी ने, ठीक है? जिसमें मुझे जो बेस्ट क्वेश्चन लगे मैंने वो पिकअप किया, बाकी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कर दें ताकि मैं होपफुली एक पार्ट और बना दूंगा अगर नीड हुई इस चीज की। और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज जाकर पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को लेक्चर्स के बारे में रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे, क्लियर फ्रेंड्स? और जिन्होंने हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो लोग भी फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, ठीक है? वहां से जाकर आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे हमारे फेसबुक पेज पे और ग्रुप पे, क्लियर? थैंक यू।